हेलो कैप्रिकॉन्स, मैं हूँ किरण शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 जून से लेकर 21 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रिडिक्शंस हैं। तो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन्स ऑफ टाइम। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि पीछे किसी भी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किए थे, बहुत मेहनत करी थी, तो उसके रिजल्ट्स आपको इस वीक मिल सकते हैं। आपकी काफ़ी वाहवाही हो सकती है। जो भी आपके कोवर्कर्स हैं या जो भी कुलीग्स हैं या जिस भी फील्ड में आप हैं, उसमें आपको बहुत एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल सकती है। और ऐसे टाइम पे जहाँ पे सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हों, थोड़ा सा एक एरोगेंट होना या एरोगेंस आना नॉर्मल होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप काफ़ी अपने लिए हाई भी सोच सकते हैं। अपने लिए अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इन द प्रोसेस में घमंड या एरोगेंस नहीं होना चाहिए। तो अगेन इस चीज़ का ख्याल रखें। नीचे यहाँ पे द सन्स ऑफ टाइम का कार्ड मुझे कहता है कि टाइम काफ़ी सारे कैप्रिकॉन्स के लिए कंसर्न हो सकता है और सबके लिए ये डिफर हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता हो कि भाई टाइम ही कम है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट है, कंप्लीट करना है, टाइम निकले जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उससे रिलेटेड कहीं एक सोच विचार रह सकती है। कहीं अगेन मैं कहूँगी नटशेल में कि टाइम को बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं या एक कंसर्न है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कैप्रिकॉन्स कि टाइम बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो बढ़ जाता है और जब हम खुश होते हैं तो कम हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे अपने वर्क, अपने काम को छोड़ के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ऑब्वियसली ये बहुत कम हो जाएगा और आप परेशान होंगे। तो थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट करें, अपना बेस्ट दें। और आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बारी पीछे क्या हुआ कि बहुत सारा काम था और मैं बहुत ऐसे सोचने लगी कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और लिटरली मुझे ऐसे लगा जैसे कि टाइम ही नहीं है। फिर जब मैंने अपना थॉट चेंज किया और मैंने बोला कि नहीं, आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, तो मेरे माइंड में इतने सारे आइडियाज़ आने लगे कि कैसे वो टाइम मैनेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रेकी अलग बैठ के करती थी, उसमें मेरा एक घंटा लग जाता था। तो अभी महादेव और ये जो महाभारत के सीरियल्स मैं देखती हूँ, उस टाइम पे मैंने रेकी करनी शुरू कर दी। सुबह मैं पॉजिटिव ज़रूर आधा पौना घंटा सुनती हूँ, पहले हेडफोन्स लगा के सुनती थी, उसको मैंने लाउड स्पीकर पर लगा के सुनना शुरू कर दिया। तो कहीं मेरे दो घंटे बच गए और बाकी काम के लिए मुझे टाइम मिलना शुरू हो गया। तो जैसे आप सोचते हैं वैसी ही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जो भी कैप्रिकॉन्स को ये एक कंसर्न है उसको आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपना थॉट बदल के। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड बैलेंस। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कोई रीयूनियन, कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन पोस्टपोन हो सकती है, या हो सकता है कि आप फिजिकली नहीं मिल रहे हैं, आप ये सेलिब्रेशन वर्चुअली कर रहे हैं, इंटरनेट पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और कहीं एक टुगेदरनेस, हैप्पीनेस भी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे नीचे बैलेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेसिव कर रहे हैं तो ज़रूर आप चेक करें। अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लव अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर रहे हैं या आप बिल्कुल भी अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या आप बहुत कम कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक बैलेंस लेकर आएँ अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे फिर वो कोई भी एरिया हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, या कोई भी और चीज़ हो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। और यहाँ पर गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो कोई चीज़ है जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है इस वीक, और कार्ड्स आपसे पूछ रहे हैं, और आप सब लोगों के लिए ये चीज़ डिफर कर सकती है। तो ज़रूर आप सब कैप्रिकॉन्स अपने आप से ज़रूर एक सवाल पूछें कि भाई इस वीक आप लोगों को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। और अगर मैं कार्ड्स में देखूँ तो मुझे दिखता है प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि थोड़ी सी एरोगेंस कुछ लोगों के लिए रहे, वो रिलीज करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है टाइम को लेके एक कंसर्न है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो कोई चीज़ शायद आप एक्सेसिव कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए इस वीक का साप्ताहिक राशिफल। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया, एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ऑरेंज।